ये हम बनाने वाले हैं आज पालक पनीर। तो मैं बनाने वाला हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, इसीलिए मैंने पैन लिया है जैसा हमारे पास रेस्टोरेंट्स में होता है। ये पालक प्यूरी है, इसको मैंने पहले ब्लांच किया है, ब्लांच करने के बाद ठंडे पानी में डाल लिया और उसकी प्यूरी बना ली। थोड़ा सा जीरा, फ्लेवरिंग के लिए थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा चॉप प्याज, और थोड़ा सा नमक डालूंगा इसके अंदर में ताकि प्याज हमारा जल्दी गल जाए। अब इस स्टेज में मैं डालूंगा चॉप, थोड़े से चॉप टमाटर और थोड़ी सी टमाटो की प्यूरी। थोड़ी सी देगी मिर्च। बेसिकली ये हमारा चॉप मसाला जो है बनके रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगा खूब सारा गार्लिक, क्योंकि मेन जो फ्लेवरिंग एजेंट है वो यही है, और इसको मैं अच्छी तरह से इसके अंदर भून लूंगा। अब जाएगी इसके अंदर पालक। थोड़ा सा पालक को भी हम भून लेंगे, थोड़ा सा पानी, अब इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा बटर और एक क्रीम। आप देख सकते हैं पालक पनीर का पालक का कलर क्या आया। जब मैंने पालक बॉईल की थी तो मैंने उसके अंदर नमक डाल दिया था, और इसलिए मैंने जो है इसके अंदर डिश के अंदर नमक नहीं डाला। तो अब ये जो हमारा पालक पनीर है वो सर्व होने के लिए रेडी है। ये जो पालक पनीर है 2 से 3 लोगों के लिए है। ये लिया मैंने थोड़ा सा देसी घी। अब मैं जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ इसका थोड़ा सा तड़का। आप लोग पूछते हैं रोगन क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ रोगन कैसे बनता है। इस लहसुन को हम ब्राउन कर रहे हैं, साथ में मिर्ची भी ब्राउन हो जाएगी। ये लहसुन हमारा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये देगी मिर्च डाल रहा हूँ कलरिंग के लिए। ये हमारा रोगन होता है ये पालक पनीर के ऊपर। साथ में जाएगा ये थोड़ा सा अदरक का लच्छा, थोड़ी सी क्रीम। लीजिए हमारा लहसुनी पालक पनीर, जो आप लोगों की कई लोगों की डिमांड।